पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के आज के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अमित मोहन प्रसाद जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के सभी कार्मिकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो ये वर्षों से मांग की गई थी कि राज्य कर्मचारियों को चाहे वह पेंशन से उनकी जुड़ी हुई समस्या रहती थी या फिर स्वास्थ्य संबंधी किसी कार्यक्रम में, खासतौर पर जो सेवारत कर्मचारी थे या जो पेंशनर्स थे उनकी समस्याएं होती थी कि वह स्वास्थ्य के बाद उपचार करने के लिए जाते थे तो उस समय पैसे के अभाव में बहुत बार ऐसी समस्याएं उनके सामने खड़ी होती थी। हॉस्पिटल उनसे पैसा मांगता था, उनके पास कार्ड नहीं था और बहुत बार बहुत सारी समस्याओं का सामना होता था। राज्य सरकार ने इस पे बहुत विचार किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि जैसे हम लोगों ने SECC डाटा के तहत पहली बार ये व्यवस्था की, देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू की, प्रदेश ने अंत्योदय परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष दिया और उसके अंतर्गत न केवल सरकारी हॉस्पिटल्स में बल्कि इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भी उन्हें फ्री में उपचार की सुविधा और 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की। इस योजना से राज्य कर्मचारियों को भी इस योजना के दायरे में लाना चाहिए जिससे उसे भटकना ना पड़े और ऐन वक्त पर फिर पैसे के अभाव में कहीं ऐसा ना हो कि उसके सामने जो समस्याएं आती हैं वह ना आए। और इस दृष्टि से इस योजना को हम लोगों ने पिछले कार्यकाल के अंतिम उसमें ही इसके लिए विभाग से कहा गया था कि इस प्रकार की एक कार्य योजना तैयार करें कि अंत्योदय परिवार वालों को हमने राज्य मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लिया है, SECC की डाटा के अंतर्गत जो लोग परिवार थे उन परिवारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादित किया है, BOC बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी श्रमिक थे उन्हें हमने BOC बोर्ड के माध्यम से उन्हें जोड़ने का कार्य किया, उसके माध्यम से हम 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हमें देते हैं। लेकिन राज्य के कर्मचारियों को, जो हमारे 22 लाख राज्य के कार्मिक हैं और सेवानिवृत्त पेंशनर्स हैं जो कार्मिक हैं, इन सब के लिए हम लोगों को एक ऐसी स्कीम देनी चाहिए कि वे सरकारी हॉस्पिटल में वे किसी भी प्रकार की बीमारी हो वहाँ पर कैशलेस उपचार की सुविधा, असीमित सुविधा जो भी वहाँ पर हो सकती हो सरकारी हॉस्पिटल में उनको मिले और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर और अगर उससे ज़्यादा लगता है तो फिर उसके बारे में अलग से उसकी व्यवस्था करें जिससे उस स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से उसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाएगा वहां पे जाकर के उस कर्मचारी को या पेंशनर्स को या उसके आश्रित को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा के लिए तरसना ना पड़े। आज एक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो इसको प्रारंभ कर रहा है, मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राज्य सरकार अपने कार्मिकों को एक कार्मिक नहीं मानता, एक परिवार का हिस्सा मानता है।
और राज्य सरकार उसी भाव के साथ उनके साथ कार्य भी करता है, व्यवहार भी करता है, एक संवाद भी बनाता है। और मैं देख रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में, मैं तो पाठक जी से पूछा, मैंने कहा कोई सभा है क्या, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठे हुए हैं। सरकार आपकी सुविधा दे रही है और जो सुविधा सरकार आपको दे रही है अपेक्षा आपसे भी रखती है कि कॉमन मैन को भी उसी प्रकार से परेशानी न हो जिस प्रकार से आपको परेशानी न हो, इसके लिए सरकार चिंता कर रही है। तो एक सामान्य नागरिक की चिंता भी आपको करनी है, यह भाव आपके मन में भी सदैव होना चाहिए। और आपकी ही परिश्रम का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। अगर हमारा प्रदेश विकसित होगा, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा, रोजगार के अवसर प्रदेश के अंदर ही सृजित होंगे, तो खुशहाली तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक निवासी के साथ साथ उसका लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को भी मिलेगा। और राज्य सरकार ने हमेशा इस बात का ध्यान दिया। मुझे लगता है कि देश के कतिपय उन राज्यों में उत्तर प्रदेश राज्य है जिसने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान कर्मचारियों की किसी भी सुविधा में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की। सबसे बड़ी आबादी हमारे पास थी, 25 करोड़ की आबादी हमारे पास थी, हर व्यक्ति चिंतित था उत्तर प्रदेश का क्या होगा। मुझे विश्वास था अपनी टीम पर, मुझे विश्वास था आप पर, और मुझे विश्वास था उत्तर प्रदेश की जनता पर कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, विजय हमारी होगी क्योंकि हम सच्चे दिल से लड़ाई लड़ते हैं और इस लड़ाई में हमें सफलता प्राप्त होगी। हमने रिजल्ट दिया, उत्तर प्रदेश के मॉडल प्रस्तुत किए, अलग अलग प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए। टीम वर्क जब काम करती है तो उसके परिणाम उसी रूप में सामने आते हैं। सामूहिकता का एक भाव सब जगह देखने को मिलता है और सामूहिकता का यह भाव इस रूप में जब एक साथ देखने को मिलता है तो उसमें परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने के साथ ही हमें एक दूसरे के हितों के प्रति भी उतने ही जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा। जनता सरकार चुनती है, सरकार के कार्यक्रमों को नीचे स्तर तक पहुंचाने का काम आप करते हैं। आपको जो वेतन या जो अन्य सुविधाएं सरकार के स्तर पर मिलती हो, राज्य से मिलने वाले जो हमारे कर हैं उससे जो प्राप्त होता है, सब एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं। जैसे जीवन चक्र होता है वैसे ही शासन व्यवस्था का भी एक चक्र होता है जिसमें जनता हमसे अलग नहीं है, कर्मचारी शासन व्यवस्था से अलग नहीं हो सकता है। ये सभी मिलकर के जब एक साथ प्रयास करेंगे, एक दूसरे के हितों का संवर्धन करेंगे तो परिणाम अपने आप आते हुए दिखाई देंगे और उस परिणाम को प्राप्त करने की दिशा में अधिक से अधिक सुविधा। आपने देखा होगा सरकार ने पहले 100 दिन के अंदर ई पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया। यूपी पहला राज्य था जिसने ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया। सारी समस्या का समाधान पहले से अपने आप ऑटो मोड पर होता हुआ दिखाई दे और यह अपेक्षा मैं रखता हूं कि ऑटो मोड आपकी टेबल में भी होता हुआ दिखाई दे, बार बार किसी को ना आना पड़े। क्योंकि मैं देखता हूं कि जो कर्मचारी जिसको ज्यादा परेशान करता है उसी को रिटायरमेंट के बाद भी ज्यादा परेशान होना पड़ता है। आपकी समस्या का समाधान तो हम टेक्नोलॉजी कर से कर रहे हैं, लेकिन आपको उस टेक्नोलॉजी को हैंडल तो आप ही को करना है, ये भी तय है। इसलिए वह और भी अच्छा रहे जिससे रिटायरमेंट के बाद आपको या आपके आश्रित को कभी भी इस प्रकार की कोई संकट का सामना ना करना पड़े, अनावश्यक भटकना ना पड़े और अन्य हर प्रकार से एक हर जगह खुशहाली हो, आपके बारे में अच्छी राय लोगों के मन में बने। हम देखते हैं जिस कर्मचारी ने जिस अधिकारी ने अच्छा काम किया है वर्षों तक लोग याद करते हैं उसको, वर्षों तक लोग याद करते हैं। हाँ मैं देखता हूं 25 साल 30 साल पहले कोई वहां से चला गया रिटायर हो गया, लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बातचीत नहीं करता, जानबूझ के हर समस्या पे भी समस्या खड़ी कर समस्या का समाधान करने के बजाय समाधान को समस्या में खड़ी कर देता है, जब उसका ट्रांसफर होता है लोग कहते हैं चलो एक बला उठ टल गया यार, बला मत बनिए कभी नहीं। लोग बहुत लोगों की दुआ भी और बददुआ भी बहुत लगती है, एक कॉमन मैन की तो सचमुच लगती है क्योंकि बहुत सच्चा होता है व्यक्ति। और मुझे लगता है कि हमें दुआ लेनी चाहिए, हर व्यक्ति की दुआ लेनी चाहिए, उसके लिए हमें बनना चाहिए। और मैं देख रहा था यहाँ पे, मैं अमित मोहन जी से कहूंगा और ब्रिजेश से भी कहूंगा कि भाई कम से कम कर्मचारी नेताओं को भी उनको कार्ड देना चाहिए था, यहाँ पे बुला करके उनको कार्ड बुलाते मंच पे देते तो उनको भी अच्छा लगता।
और उनको भी लगता कि शासन की कार्य पद्धति किस रूप में कार्य कर रही है, कैसे कार्य कर रही है। ये डिमांड नहीं की, देखिए हमारे चुनाव हुए 10 मार्च को परिणाम आए थे, पता नहीं और लोगों को क्या विश्वास था क्या नहीं था, लेकिन मैं पहले से जानता था कि हमारी सरकार फिर से आ रही है। लोग अलग अलग प्रकार की चर्चा करते थे, हम कहते थे कि देखिए हम लोगों ने कार्य किया है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से सरकार चली है और बुलेट ट्रेन की स्पीड से ही सरकार फिर वापस लेके आएंगे, और पूरी मजबूती के साथ प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने में योगदान दिया। मैं देख रहा था, मैं पिछले कार्यकाल में मैं देखता था कि हर महीने 2 महीने में किसी न किसी कर्मचारी संगठन का एक वादा था कि हम लोग मिलना चाहते हैं, मैं मिलता भी था, इस दौरान उन्हें भी कुछ संकोच हुआ होगा, नहीं आए, और उन्होंने डिमांड भी नहीं की कि हमें कैशलेस सुविधा दी जाए, लेकिन ये सरकार का दायित्व है, क्योंकि परिवार में कोई परिवार का अभिभावक किसी के साथ, परिवार के किसी सदस्य के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, उसको तो एक भाव के साथ सबको देखना है, और एक भाव के साथ देखने के साथ जो सुविधा हो सके, चाहे वह कार्मिक वर्तमान में कार्य कर रहा हो या सेवानिवृत्त हो गया हो, अगर सेवानिवृत्त भी तो हुआ इसी प्रदेश का प्रदेश में अपना योगदान दे रहा है, रिटायरमेंट के बाद हो सकता है सरकारी सेवा में नहीं, लेकिन अपने अनुभव का लाभ समाज को किसी न किसी रूप में तो दे रहा है, तो उन सब में किसी को भी परेशानी ना हो, इस सरकार का दायित्व है। एक नागरिक के रूप में वो किसी न किसी रूप में इस व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ है, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम सब इस व्यवस्था के साथ जुड़े, और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, राज्य सरकार आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं। आपने देख लिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में भी बिना रुके बिना डिगे बिना झुके सरकार कार्य करती रही, हर जगह मैं देखता था कि हर राज्य से मांग होती थी कि आज 30% कर्मचारियों की इसमें कटौती हुई, फलानी जगह इतने इसमें कटौती हो रही है, तो मेरे सामने भी प्रस्ताव आया था, मैंने कभी सब कुछ करना, लेकिन कर्मचारियों के एक तो उनकी किसी भी व्यवस्था में कोई कटौती मत करना, दूसरा वेतन और पेंशन समय पे देना है, ये हम क्या कर सकते हैं इसकी व्यवस्था आप सुनिश्चित करें, ये व्यवस्था करना सरकार का दायित्व बनता है। आपने देखा होगा हमने सबको व्यवस्थित समय पे, लॉकडाउन रहा हो या कोई व्यवस्था रही हो, बाद के समय में समस्या न हो इसके लिए हम लोगों ने लॉकडाउन की व्यवस्था को छोड़ दें तो शेष दिनों में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मार्केट को भी बंद नहीं किया, उद्योगों को बंद नहीं किया, जिससे कैश फ्लो बना रहे, राज्य सरकार के पास एक रेवेन्यू आता रहे, और हम लोग शासन की व्यवस्था के साथ साथ 25 करोड़ लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना आए इसके लिए भी हम लोग लगातार कार्य करते रहे। परिणाम हमारे पक्ष में आए, हमारे मॉडल को लोगों ने माना, कहा कैसे उद्योग चला रहे हैं, हमने कहा भी हम लोगों ने वहां पे कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, कोविड हेल्प डेस्क बनाए हैं, कार्यालयों में कर्मचारियों ने आकर के कोविड के दौरान आकर के अपनी ड्यूटी निभाई, लोग कहते थे सब कैसे हो पाएगा, हमने कहा हमारी तो सारे कर्मचारी आ रहे हैं ड्यूटी पे, कोविड हेल्प डेस्क का पालन करते हैं, कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने, हेल्थ वर्कर्स ने, आंगनबाड़ी आशा वर्कर ये जितने हैं, ENM, इन सब ने गांव गांव में जाकर के किस सेवा भाव के साथ कार्य किया, वो अभूतपूर्व दृश्य था। और उस चुनौती को फेस करने के बाद अब हम लोग एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो मिलकर के हम सबको इस व्यवस्था के साथ जुड़ना होगा, एक साथ मिलकर के बेहतरीन टीम वर्क के माध्यम से बेहतरीन संवाद बना करके परिणाम देना होगा, और जब भी हम इस व्यवस्था को करेंगे प्रदेश खुशहाली के साथ आगे बढ़ते हुए देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा। और आज जो राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना है, देखिए कहने के लिए तो इसमें 22 लाख वर्तमान के हमारे कर्मचारी और पेंशनर्स आ रहे हैं, लेकिन उनके आश्रितों को मानेंगे तो 75 लाख से भी की संख्या बैठती है, 75 लाख लोग सीधे सीधे
इस हेल्थ कार्ड के माध्यम से लाभान्वित होंगे। और मैं चाहूंगा कि स्टेट हेल्थ कार्ड एक ऐसा मैकेनिज्म बने कि स्वयं ही लोग अपने उससे उसको निकाल सकें, उसको डाउनलोड कर सकें और उसके माध्यम से फिर अपनी स्वास्थ्य के सेवाओं को किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में उसका लाभ ले सकेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ, भगवान करे कि किसी को सामने इस प्रकार की समस्या ना आए कि इमरजेंसी उसके सामने आए। लेकिन फिर भी मनुष्य का जीवन है और उस व्यवस्था के साथ हम लोग रह रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर कभी कोई ऐसी संकट आता ही है तो हमारे पास स्टेट हेल्थ कार्ड हमारे साथ खड़ा होगा, चाहे वह किसी यानी बड़ी से बड़ी बीमारी का सामना करने के लिए कोई सरकारी हॉस्पिटल में, यानी SGPGI के डायरेक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, KGMU के VC यहाँ बैठे हुए हैं और भी हमारे वरिष्ठ चिकित्सक भी यहाँ बैठे हुए हैं, कोई सीमा नहीं होगी उसमें, फिर वह असीमित होगा। इसलिए वह एक सुविधा आपको यहाँ पर आज प्राप्त हो रही है, इस सुविधा के लिए मैं एक बार फिर से आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।